जिले के विकास के लिए सरकार तो पैसा देती है, लेकिन स्थानीय स्तर के ठेकेदार और अधिकारी जनता के इस पैसे को अपने महल बनाने में व बच्चों को विदेश में पढ़ाने में लगा देते हैं। कभी तो स्थिति ऐसी दिखती है कि निर्माण कागज में हो गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जनता उसी तरह जीवन यापन करती है। अधिकारी यदि सड़क बनवा रहे हैं तो ठेकेदार के साथ साठ गांठ कर पीसीसी आरसीसी सड़क तो कागज में बन जाती है, लेकिन उसमें मिट्टी का एक ढेला तक नहीं डाला जाता है। इंजीनियर कागज में रकम लिखकर उसको डकार जाते हैं और जनता कीचड़ में जीने को मजबूर होती है। लेकिन यदि कोई ईमानदार और सख्त अधिकारी फाइलों को कभी पलट देता है तो ठेकेदार और इंजीनियरों के कारनामे सामने आ जाते हैं और जवाब तक नहीं दे पाते। इंजीनियर साहब घर में बैठकर सड़क नाप देते हैं और फाइल दफ्तर में धूल खाती पड़ी रहती है। भला कौन जरूरत करेगा इन पर कार्यवाही करने की, क्योंकि जितना पैसा ये जनता के हक का मारते हैं उसका आधा तिहाओ बड़े अधिकारी को देकर दबाव बना देते हैं। लेकिन इस मुख्य अभियंता ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब यह हिम्मत कब तक रहेगी देखना होगा। विराट 24 न्यूज अक्सर गरीबों और पीड़ितों की आवाज निर्भीकता से उठाता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी इंजीनियरों के कारनामे उजागर भी करता है। पीड़ितों की आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसा ही मामला पूर्व में विराट 24 न्यूज के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था, जहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नैकिन ग्राम पंचायत में हो रहे सड़क के निर्माण में ठेकेदार के लापरवाही व इंजीनियर की मनमानी के चलते निर्माण में घटिया सामग्री, या फिर यह कहें कि जो सामग्री उपयोग की जाती है वह की ही नहीं जा रही थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता ने भी आवाज उठाई थी, साथ ही गांव के लोगों ने भी ठेकेदारी पर जमकर आरोप लगाए थे। पहले आप सुनिए कि नैकिन ग्राम पंचायत की जनता ने ठेकेदार इंजीनियर पर क्या आरोप लगाए। हमारा ललित चतुर्वेदी, क्या किस तरह की समस्या है? समस्या आप देख रहे हैं कि इसमें माटी पड़ गई, छर्रा छोटा माटी पड़ी है, हाँ ना, तो इसमें चौमासे का हाल होगी इसमें है। ये जो पड़ रहा है अपना के काया पर डस्ट है ना, तो यू उगाड़ दे आदमी का जितने के मुँह दांत टूटा है या सब है। ये रोड बन रही है, ये करोड़न के कितने के आए करुआ भा है, डेढ़ करोड़ के है, तो कितने के छर छरा पाई गया। अब पानी गिरी तो मारे कि तेरा ही यहीं हो या सब, अब पुलिया कहाँ नहीं है, किनके द्वारा रोड बन रही है पता है? अभी हम रोड के हम नहीं जाता, ठाकुर वहाँ के बनवा बल्ला की का कहावत है, सिलपारा के हों डिहिया के हों, अब हम यह नहीं जानी। भाई बनवाबा दिखे ठाकुर आई, यह माटी छुरछुर आ गए हैं, हम दस बजे कह के यह माटी छुरछुर आई ला तो कहाँ बन जाई, कहीं ना बन जाई, बताइए मैं बन गई इतनी मोट माटी ही। हाँ, गुड्डू चौबे सुपिया वाले ये है ना, इकिन ग्राम पंचायत ना इकिन है। हाँ, किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ? इतनी मिट्टी पड़ी है, डेढ़ इंची देख लीजिए आप, डेढ़ इंची मिट्टी पड़ी है और वहाँ सिक्स एम डाल रहे हैं। सिक्स एम मतलब इसमें चाहिए 40 CRM मिक्स चाहिए, इतनी चाहिए भाई ये पहले तो डाल रहे हैं 6 mm, तो ये रोड कैसे चलेगी? किनके द्वारा बनाई जा रही है? ये नारायण सिंह बना रहे हैं, उनके द्वारा काम ही नहीं किया जा रही, ढंग से रोड नहीं बनाई जा रही है, किसी काम की रोड नहीं है। पानी की तो पानी भी नहीं, 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 नहीं। इसमें मिट्टी सबसे पहले चाहिए बाटरिंग है ना, बाटरिंग चाहिए, पानी डाल के और कंपेक्शन करे तब ना रोड मजबूत होगी। और वो भी मिट्टी डाले हैं वो वाली, कंकड़ नहीं है इसमें। तो आप लोगों ने क्या सरपंच शिकायत की? यहाँ माटी पीर पारी है, सिग्मा की सरपंच भी खत्म है यहाँ का, मिली भगत है, सरपंच नहीं सरपंचिन है, वो भी खत्म है। कौन है सरपंच? गीता केवट, वो भी मिली है, वो भी मिली है। चले भैया मिली नहीं है वो, मिली, अरे वो मिली। 24 न्यूज में चली खबर के बाद गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह भी इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ जांच और फंस गए ठेकेदार और सड़क नापने वाले इंजीनियर। आपको बता दें कि नैकिन ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सड़क में मुरुम नहीं डाली जा रही है, जिन जगहों पर पुलिया का निर्माण होना चाहिए था वहां पुलिया का निर्माण भी नहीं है, लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उनको पनाह देकर सड़क की वास्तविक स्थिति का निर्माण भी नहीं कराया जा रहा है।
तमाम ऐसे आरोप लगे थे। साथ ही गोविंदगढ़ तालाब की मेड़ से जुड़ी हुई 4 किलोमीटर की सड़क का भी इनमें बड़ा खेल सामने आया है। खाना पूर्ति करने वाले अधिकारी एमके द्विवेदी, ओयन मिश्रा, आर्यल पांडे, अशोक कुमार मिश्रा दोनों ही सड़क में एक ही हैं इंजीनियर, बस ठेकेदार अलग अलग हैं। यदि गोविंदगढ़ तालाब वाले रोड की बात करें तो उसमें के सोहगौरा का ठेका है, वही नैकिन में नारायण सिंह का ठेका था, जबकि इंजीनियर वही है। दोनों ही जगह पर सड़क निर्माण में अनियमितता, गुणवत्ता ही निर्माण पाया गया। साथ ही सबसे बड़ी कमी पाई गई, जिसमें मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि सीआरएम का कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक प्रक्रिया अनुसार नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप संपादित कार्य अमान्य, मतलब रिजेक्ट किया जाता है। अधीक्षण यंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि अमान्य कार्य के स्थगन पर निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक सामग्री का उपयोग पश्चात पुनः सीआरएम का कार्य करवाया जाए। इस प्रकार के अमानक कार्य किए जाने हेतु अनुबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि माप पुस्तिका में दिनांक तक माप अंकित नहीं किए गए हैं। दोनों अधिकारियों का इस प्रकार का कृत्य पदी कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही दर्शाता है। उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी में मार्ग निर्माण से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान, निर्धारित मानकों एवं मापदंडों की जानकारी का अभाव भी स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। इनके गोपनीय चरित्रावली में इस बाबत टीप अंकित किया जाना प्रस्तावित है। एक तो यह इंजीनियर साहब सड़क नापने नहीं जाते हैं, और दूसरा जब इनको नोटिस थमाया जाता है तो इसका जवाब भी नहीं दे पाए। एमके द्विवेदी, ओयन मिश्रा, आर्यल पांडे, अशोक कुमार मिश्रा को अभियंता, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के अजय खांडे के द्वारा नोटिस जारी की गई, जिसमें मुख्य अभियंता अजय खांडे से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक निश्चित अवधि उन्हें दी गई है इंजीनियर को, जिसमें वह अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, जवाब नहीं देते, तो उन पर कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी सुनिए मुख्य अभियंता अजय खांडे ने चैनल हेड से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी साझा की है। हेलो हेलो सर, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल से, रीवा से जी। सर थोड़ा सा जानना चाह रहा था, एक सर आपने जांच करवाई थी नैकिन पातिसुपिया टीकर मार्ग का और गोविंदगढ़ मार्ग पर, उसमें आपके द्वारा नोटिस जारी की गई थी एचपीटी इंजीनियर एसडीओ को और कुछ सख्त निर्देश भी दिए गए थे, ऐसी जानकारी है, कुछ जवाब नहीं मिला सर, तो कुछ आगे उसमें कार्यवाही प्रस्तावित हुई है, कुछ आगे कुछ कदम उठाया आपने? नहीं अभी कुछ नहीं, उनको एक महीने कॉन्ट्रेक्टर को लीगल नोटिस एक महीने का होता है, एक महीने उसको अपना पक्ष रखने के लिए होता है, वो जवाब नहीं देता तो स्वतः ही करो, क्योंकि जो मैंडेटरी प्रोविजन है, जो समय सीमा फिक्स है, ऐसे ही अधिकारियों के लिए भी है, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर उनको सुनवाई का अवसर देना होता है जी जी। तो वो समयावधि तक यदि नहीं देते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह से आपने निर्देश दिया था, या ये माने कि जिस तरह से आपने बात कही थी कि इनकी गोपनीय चरित्रावली पर अंकित किया जाए, और ये एक तरह से अनुभाग अधिकारी उपयंत्री जो ये जानकारी नहीं दिया, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि योग्यता नहीं थी इस तरह से, तो शायद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इन कर्मचारियों पर, और जरूरत है कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने की, जो आप पहल की है शायद। नहीं तो वो तो होगी ना, उसमें तो भाई जो निर्देश मैंने अपने इंस्पेक्शन जारी कर दिया उनकी गोपनीय चरित्र प्रतिकूल टिप्पणी होगी, अब गोपनीय चरित्र 31 मार्च को लिखी जाती है। ये माना जाए कि जो सड़कें बनती हैं, काम होते हैं, तो इसे लापरवाही, ये पहली लापरवाही ऐसी नहीं है, कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि काम नहीं होता, भुगतान हो जाता है, जिससे कुछ ऐसे काम भी आए। हम लोगों ने खुद बात की थी आपके सब इंजीनियर से ये पांती वाली मार्ग में, तो पांडे जी ने कहा था कि नहीं, मैं जाकर खड़े होकर मौके पर बनवा रहा हूँ। इसके बाद जब इस तरह से आपको जांच प्रतिवेदन मिलता है और आप कार्यवाही की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये लापरवाही बरतते हैं काम में। देखिए लापरवाही के कई रीजंस होते हैं, एक अकेला रीजन नहीं हो सकता है जी। अब एक ही समय के पास 4-4 रोड का काम है जी, तो वो सभी जगह मॉनिटरिंग करने में असमर्थ होता है, पहली चीज तो ये होती है, तो एक रीजन नहीं हो सकता है जी। और कुछ करने की क्षमता और दक्षता के ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो ये माना जाए कि अब कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाएंगे आप, और कुछ अगर जवाब नहीं दिया जाता तो कार्रवाई कुछ होगी? देखिए कोई भी हो, मैं अभी इस समय उम्र अपने शहडोल और अनूपपुर के दौरे पर हूँ, तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी या जहाँ ऐसे कमी मिलेगी उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में होगी। हम लोग कोई मतलब राजसी या कोई हमारे घर का राज नहीं है, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम है उसके अंतर्गत नियमानुसार विधि अनुसार और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को दर्शित, क्योंकि हमारी कोई भी कार्रवाई यदि मैं जल्दबाजी में करता हूँ और उसमें लीगल प्रोसेस नहीं होती तो कोई भी जाकर के रीवा में एक ये बहुत बड़ा है कि कोर्ट से जाकर के वो चीज स्टेन नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल उनका अधिकार है मिलना चाहिए सुनवाई। हम लोग क्या है कि उन चीजों को लीगल एस्पेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं जी। तो मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग सभी एस्पेक्ट पे जिसमें हम हमारी कार्रवाई को विधि सम्यक उचित समझा सके और किसी भी फोरम पर वो प्रमाणित हो सके जी। इसीलिए आज तक मेरे स्पेशल नोट में बहुत क्लियरली मेंशन करता हूं मैं कि उपस्थिति में दर्ज करवाता तो आपकी उपस्थिति में जांच हुई है, जिससे ये हो जब बाद में कभी किसी फोरम पे आता है तो कहते हैं साहब वो तो थे ही नहीं, उनका पक्ष नहीं सुना गया, जब आप स्वयं उपस्थित थे आपके सामने लिया गया तो फिर वो पक्ष देना ही हो जाता है। संबंधित ठेकेदार भी कब या तो ठेकेदार उपस्थित होता है या ठेकेदार का प्रतिनिधि उपस्थित होता है जी। तो उन मुद्दों को वहीं पर डिनाई कर दिया था कि साहब इनकी या इनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मार्ग की जांच हुई है जी। ठीक है बिल्कुल सर, एक व्यक्ति नहीं करता है मेरे यहाँ पे, एक पे हो सकता है कि कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा दे कि साहब बहुत तो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, हमारी उसे जाति दुश्मनी थी हमारी। हाँ, हाँ, कई थी। बार होता है सर, होता है तो मेरे इसमें एक नहीं होता है जी। तो वो तो विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार, मेरा ये है कि किसी परिस्थिति में ये है तो वो बाद में भी सिद्ध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सर, लेट ऑन प्रोसेस है। ओके ठीक, थैंक यू। में ऐसे कितने अयोग्य इंजीनियर सड़क नाप रहे हैं, यदि इसी तरह जांच होती रहे तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई की रकम अपने कोठी बंगला बनवाने में उपयोग करने वाले ठेकेदार और इंजीनियरों की पकड़ सामने आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन इंजीनियरों को केवल नोटिस ही थमाया गया या फिर इन पर कोई बड़ी कार्यवाही भी होती है, या फिर मामले में दबाव बनाकर इसको रफा दफा कर दिया जाता है। सूत्रों की माने तो मामले में दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि बातचीत में मुख्य अभियंता अजय खांडे ने कहा है कि बड़ी कार्यवाही की जाएगी, होता क्या है देखना दिलचस्प होगा।